फ्रेंड्स, सो अब जो है वो वेटनरी की नई काउंसलिंग 2024 की शुरू होने वाली है, तो सभी आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, ठीक है। और जो भी अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रूरल एरिया के, बॉर्डर एरिया के, जो तहसील से बनाने हैं, जो स्कूल से एफिडेविट वगैरह, जो प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं वो आप करवाएं, ठीक है। और जो भी लगभग जो सारी डिटेल्स होती है वो आराम से फिल करें आप, आधार कार्ड वगैरह अपने सारे ध्यान से रखें, ठीक है। और फर्स्ट काउंसलिंग में आप टाइम सिर पहुंचे, ठीक है, लेट ना होए बिल्कुल भी। और जिस दिन आपको सीट मिल जाती है उसी टाइम उसी दिन आप फीस भरकर अपनी जो सीट है पक्की कीजिए, और मेडिकल भी उसी दिन करवा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सारी काउंसलिंग में भाग लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, लास्ट तक आप ट्राई करें, ठीक है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम है, ठीक है, जिनको लगता है भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो साथ साथ में नीट की अपनी तैयारी साथ साथ में रखें। फर्स्ट काउंसलिंग होगी, आपने लुधियाना आना होगा, ठीक है, और सुबह आपको 9 बजे बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सारे लिस्ट है वो जारी होगी, पहले एक दो दिन पहले आपके पास में लिस्ट आ जाएगी कि पहले दिन कितनी रैंक वाइज बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी समय आपने पहुँचना है, ठीक है। और लुधियाना एक रामपुरा फूल, ये 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद में जो है अमृतसर कॉलेज है, खालसा कॉलेज, वो भी आपको मिल सकता है लास्ट तक अगर आपने लेना हो। सेल्फ फाइनेंस सीट है, NRI सीट्स है, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया, कश्मीरी माइग्रेंट, सो बहुत सारे इसमें रिजर्वेशंस दे रखी है, तो ये अच्छी चीज़ है। पहले दिन आपका नंबर आएगा, ठीक है, तो पहले जनरल वाले जैसे BC वगैरह, ठीक है, और लास्ट में जो है वो उनको बुलाया जाएगा जो छोटी कैटेगरीज है, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया। तो आप वेट कीजिए, अगर ठीक है जनरल में सीट लेनी हो तो जनरल में ले सकते हो, अगर मिल रही हो तो बाकी रूरल एरिया में ले लीजिए आप। जो वेटनरी फील्ड है वो दोस्तों बहुत ही शानदार फील्ड है, MBBS के बाद आप ज़रूर गढ़वासु वेटनरी की जो मेरी वीडियोस है हॉस्टल टूर की, कॉलेज टूर की, वो विज़िट कीजिए, कैंपस देख सकते हैं आप, कट ऑफ की भी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। और जो वीडियोस है मेरी लगभग गढ़वासु के फार्म विज़िट की भी मैंने बनाई है, तो आप फैसिलिटीज़ देख सकते हो कि गढ़वासु में कितनी शानदार फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर जो है वो बहुत ही शानदार आपको पढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड ईयर में होंगे, ठीक है। बहुत सारे हॉर्स राइडिंग्स भी है यहाँ पर, स्विमिंग भी है, तो आप अपनी फील्ड को जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और खूब अपने दोस्त बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है आपकी। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गई तो शाम को आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आप करवा के और आप की सीट कंफर्म होगी, फीस भी आप जमा करवा दिए। फीस जो है वो कैश रखना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो UPI भी हो जाता है, बट जितना कैश रखते हो उतना ही फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि मैं भी कैश लेके आया तो कैश कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको बुलाएंगे, जैसे 1 तारीख को हो गया आपका तो 11 तारीख को आपको बुलाएंगे, ठीक है, 11 को बुला के, और 11 को ही आपका हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा, उसी दिन आप अपना मेडिकल वगैरह पकड़ा दीजिए, ठीक है। हॉस्टल वगैरह आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, और AC हॉस्टल्स और नॉन AC हॉस्टल्स, ऑल हॉस्टल्स वहाँ पर है, ठीक है, तो बहुत ही शानदार हॉस्टल आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और जिम वगैरह है, AC जिम है, ठीक है, और मेस जो भी है वो भी बहुत शानदार है, खाना भी बहुत शानदार है, और PAU प्ले ग्राउंड्स है अपने हॉस्टल्स के अंदर, टेबल टेनिस वगैरह और जो बैडमिंटन, ठीक है, तो सभी आपको ग्राउंड्स भी मिलेगा। और जो कैंपस का व्यू है वहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है, ठीक है, बहुत ही जो शानदार कैंपस है, तो आप कैंपस का लुत्फ़ उठा सकते हो मेरी वीडियो देखकर, ठीक है। और सो दोस्तों, ये मैंने सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वीडियो आज बनाई है, साथ साथ में कुछ बातें भी की है, जो जो आपके कैरियर शुरू होने से आपको पता चल जाए तो आगे का जो ईयर है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, अगर कुछ कमी भी रह गई तो वहाँ पे आपकी सॉल्व आउट
हो जाएगी। वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स है वो बहुत कोऑपरेटिव होंगे, ठीक है, और लगभग जो फीस वगैरह है वो लगभग 60-70 हज़ार रुपये आपको उसी दिन फिल करनी होगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लगभग आपको जो जो कॉलेज लेने हैं, रामपुरा फूल लेना है, अगर आपको गढ़वासू अगर नहीं मिला तो उसके बाद में रामपुरा फूल मिलेगा, आपको पता लग जाएगा वहीं पे ही, क्योंकि राम जो गढ़वासू है वो 1-2 दिन के अंदर फिल हो जाता है, लगभग सभी गढ़वासू ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सीटें खाली रह जाए तो रामपुरा फूल है, उसके बाद में फिर खालसा कॉलेज है, तो उसी के अनुसार जो है आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइस।